नौजवान इंसानी स्मगलर्स का शिकार बन गया। कानपुर के शहरी इलाका माला जारिया की गरीब खातून रिहाना कौसर ने गुर्बत और घरेलू हालात की तंगी के बायस डीए पास अपने बेटे मोहम्मद बिलाल को अच्छे दिनों की आस लगाकर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए भेजा और इसी दौरान फिरोजा के रिहायशी नूर भट्टी नामी फराड़िया शख्स ने इस खातून से राब्ता किया और 2 लाख रुपए की एवज मोहम्मद बिलाल को दुबई में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी पर भेजने का झांसा दिया। इस खबर के बाद इस दुखियारी माँ ने जब नूर भट्टी नामी एजेंट से रब्ता किया तो इसने कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। यार मैं पहले को दरखास्त काटी है कि वजीर अला पंजाब मेरी मदद करे। दुखियारी ममता रिहाना कौसर ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इसके बेटे बिलाल को सऊदी अरब के जंगलों से बरामद कराया जाए। कैमरा मैन राशिद अवैसी के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज कानपुर। ARY फिल्म्स और सिक्स सेगमा की पेशकश फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी ने रिलीज